उत्तराखंड के दो विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। चमोली की बद्रीनाथ सीट और साथ ही हरिद्वार की मंगलौर सीट पर वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और बद्रीनाथ में 1,02,145 वोटर्स हैं, तो वहीं मंगलौर में 1,19,930 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही जगह पर कुल 4,200 कर्मचारी और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बद्रीनाथ में पहली बार हाई एल्टीट्यूड पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 17 गांव के 3,888 वोटर्स अपना वोट डालेंगे। और बद्रीनाथ से नितिन सेमवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मंगलौर से मनोज जुयाल जुड़ गए हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ चलते हैं। नितिन, बद्रीनाथ का इस बार उपचुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प रहा और काफी ज्यादा सियासत भी हुई इस सीट को लेकर। आज मतदान हो रहा है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और मतदाताओं में कितना उत्साह है? जी, अगर बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का मतदान ठीक 8 बजे शुरू हो चुका है और इस समय मैं बूथ नंबर 24 यानी कि सुनील वार्ड में मौजूद हूं और ये नगर क्षेत्र का वार्ड है। आप देखिए, आपको सीधे जो मतदाता इस समय मतदान करने के लिए यहां पे पहुंचे हैं, युवा यहां पे पहुंचे हैं, महिलाएं भी अब धीरे धीरे घर से निकल कर वोट देने के लिए यहां पे पहुंच रही हैं। तो जो मतदाता हैं वो अब वोट देने के लिए यहां पे पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो हाई एल्टीट्यूड में हैं, वहां पे मतदान किया जा रहा है। कुछ मतदाता लाइन पे हैं, नए युवा मतदाता भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आप पहली बार मतदान करने के लिए यहाँ पे आए हैं, कैसा क्या सोच कर घर से निकले आज? बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि पहला मेरा यहाँ पे मताधिकार है। तो हमारा जो वोटिंग राइट होता है किसी भी इंडिविजुअल का सबसे इम्पोर्टेंट राइट है और जो हमें एक्सरसाइज करने को मिल रहा है, तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि सब लोग जाएं, सब लोग वोट करें और अपने जो भी लोकल MLAs हैं उनके लिए वोट डालें और उनको चुनें। जी, क्या सोच कर मतदान करने के लिए आप सुबह सुबह आज निकले हैं? क्या देखिए, मतदान जो ये प्रक्रिया है ये एक बहुत अच्छी खूबसूरती है लोकतंत्र की और मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपना वोट कास्ट करना चाहिए और जिसका जो भी सुयोग्य कैंडिडेट है, तो हमारा अनुरोध है जो भी आपका सुयोग्य कैंडिडेट है तो आप अपने क्षेत्र के विकास के हिसाब से और अपने सब चीजों को देखते हुए आप एक अच्छे कैंडिडेट को आप विजयी बनाएं। जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से जोश है, कुछ और लोग यहाँ पे मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या सोचकर आज सुबह सुबह आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या है? तो सुबह से ही देखिए बद्रीनाथ सीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। अब मंगलौर चलते हैं, मनोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज, आप कौन से पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद है और आपके आसपास कैसी तस्वीरें? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं मंगलौर के जो कस्बा है वहाँ पे मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब वोटिंग में लोग लाइन का अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भले ही आज थोड़ा सा उमस है, गर्मी भरी है, लेकिन लोग सुबह से ही भारी संख्या में घरों से निकल के आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं क्योंकि मंगलौर में उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार अपने जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर वो मैदान में उतरी चुनाव प्रचार की, लेकिन आज अब उनकी किस्मत का फैसला जो ये लोग हैं, जनता है, वो तय करेगी कि किस तरीके का उनका विधायक चाहिए, किस तरीके का प्रतिनिधि चाहिए। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे और क्या उनको कैसा प्रतिनिधि चाहिए, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे भाई साहब, क्या मुख्य मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दे तो काई जी को वोट देंगे, कांग्रेस को, उनको जिताना है। यहाँ पर क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके जिसको आप वोट करेंगे? क्या मुद्दा है आपका और कैसा प्रतिनिधि आपको चाहिए? हमें एक अच्छा और ईमानदार प्रतिनिधि चाहिए जो आगे चलकर हमारे इसमें भविष्य के बारे में सोच सके, जैसे कि शिक्षा के बारे में और सड़कें वगैरह और चीज़ें हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गई, उनमें डॉक्टरों की सुविधा होनी चाहिए, सभी ऐसी चीज़ों के लिए वोट करेंगे। आप एक युवा हैं, किस तरीके का आप कुछ बोलना चाहें, किस तरीके का आप प्रतिनिधि चुना, किस तरीके का आपको विधायक चाहिए? नेता तो सुनना चाहिए जो ईमानदार हो, जो विकास करा रहे, ऐसे नेता चुना।